कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं प्राइवेट और ये पेयर के एग्जाम से रिलेटेड, उनके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। दोस्तों आप सभी को पता है पिछले कुछ दिनों से हरियाणा और पंजाब के अंदर जो किसान आंदोलन की वजह से इंटरनेट की व्यवस्था बंद कर दी गई कुछ डिस्ट्रिक्टों के अंदर, हरियाणा के लगभग 7-8 जिलों के अंदर वो इंटरनेट बंद है और उसका एक रीज़न ये है कि अपने जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, चाहे वो प्राइवेट के फॉर्म है, रीपेयर के फॉर्म है, मर्सी चांस के फॉर्म है, इम्प्रूवमेंट के फॉर्म है, एडिशनल के फॉर्म है, चाहे वो बी एडिशनल है चाहे बी एड एडिशनल है, वो सभी के फॉर्म आप लोगों के लेट हो रहे हैं। उसका मेन रीज़न तो है आप लोगों का जो इंटरनेट। अगर आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम जो अदर डिस्ट्रिक्टों वाले हैं, जो मतलब जिनके यहाँ पे नेट चला हुआ है, उनके लगातार कमेंट भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि हमारे अभी तक प्राइवेट और डिस्टेंस के फॉर्म नहीं आए हैं जो रीअपेयर के हैं, और प्राइवेट के जो चाहे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है, वो भी फॉर्म आप लोगों के लिए नहीं आए हैं, एडिशनल के फॉर्म भी नहीं आए हैं, इंप्रूवमेंट के फॉर्म भी नहीं आए हैं, मर्सी चांस के फॉर्म भी नहीं आए हैं। और आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि वो फॉर्म नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके अंदर कुछ दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जो वाईफाई से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनका भी डाउट है कि हमारे यहाँ पे तो नेट चला, वाईफाई की मदद से हम अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों एक जो मेन रीज़न है कि आप लोगों के फॉर्म के न आने का, पहले तो आप लोगों को पता है कि अभी बीए फर्स्ट ईयर का, बीए फर्स्ट और सेकंड का जो प्राइवेट का रिजल्ट है, कुछ एक दो क्लासेज हो रहे हैं जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। उसका रीज़न अब फिलहाल के टाइम पे तो यही है कि इंटरनेट बंद है, उसकी वजह से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट में पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वाईफाई का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से साइट भी अभी थोड़ी डाउन है। एक मेन रीज़न ये है। दूसरा, जो कैंडिडेट अगर बाई चांस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फॉर्म अभी ओपन कर भी दे, तो जहाँ पे मेजर जो डिस्ट्रिक्ट हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, जो चाहे वो कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जींद है, यमुनानगर है, पंचकुला है, अम्बाला है, इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो यहाँ से स्टडी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट मोड है, डिस्टेंस मोड है। और इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर सिर्फ इंटरनेट ही बंद नहीं है, वहाँ पे जो टेक्स्ट मैसेज हैं वो भी बंद है। यानी कि अगर आप लोगों के फॉर्म आ जाते हैं, आप लोगों को साइट पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप लोगों को पता है आपकी जो ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है, उसके ऊपर ओटीपी जाता है। ओटीपी जो जाएगा फ़ोन पे आपके, वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जाएगा। टेक्स्ट मैसेज बैन है, बंद कर रखे हैं अभी जो अपनी हरियाणा गवर्नमेंट ने, टेक्स्ट मैसेज अभी इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर ओपन नहीं है। तो इस वजह से वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएंगे अगर इस टाइम पे उन्होंने फॉर्म कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी निकाल दिए। अभी आप लोगों को पता है अभी 20 तारीख के आप लोगों के डिस्टेंस के जो जनवरी 2024 का जो सेशन था उसके फॉर्म चले हुए थे। बहुत से बच्चे इस वजह से अभी रह गए, उनको लेट फीस पे करना पड़ेगी क्योंकि उनके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी ही नहीं जा रहा था। और मेन रीज़न अभी जो प्राइवेट के फॉर्म ओपन न करने का एक रीज़न ये है कि आप लोगों रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अगर आप लोग वाईफाई यूज़ करें ना, आपकी ईमेल पर आप लोगों का ओटीपी आ जाएगा, आप लोगों के जो टेक्स्ट मैसेज है उससे ओटीपी नहीं आएगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से फिलहाल के लिए कोई अपडेट हम आप लोगों को नहीं दे सकते। पहला रीज़न ये है कि अभी हरियाणा के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, उसके साथ में टेक्स्ट मैसेज की सेवाएं बंद है। जब ये सेवाएं बहाल हो जाएंगी, मतलब इंटरनेट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, आप लोगों का जो टेक्स्ट मैसेज है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फॉर्म स्टार्ट होंगे। और वो भी उससे पहले एक दो रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी अभी तक नहीं आए हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं तो ये फरवरी के एंड में आप लोगों के फॉर्म आ सकते हैं अगर इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो। क्योंकि लास्ट ईयर की हम अगर बात करें तो पिछले साल जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो रीअपेयर के, प्राइवेट के, एडिशनल के, इंप्रूवमेंट के, मर्सी चांस के, ये सभी फॉर्म पिछले साल 27 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, 15 मार्च तक आप लोगों की लास्ट डेट थी। तो अब की बार भी अगर उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम मान के चलें तो आप लोगों के 27 फरवरी यानी कि फरवरी के एंड से 27, 28, 30 मतलब 1 मार्च के आसपास आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तुरंत हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।